नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूँ। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों, इसे अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, अवधारणाएं और स्वयं अवधारणाएं कैसे बनती है। अवधारणाएं क्या है और ये अवधारणाएं बनती कैसे है, इसके बारे में हम लोगों को बातें करनी है। अवधारणाएं को हमारे मस्तिष्क में बनी छवियां माना जाता है। अवधारणा सभी प्रकार के अधिगम की मूल इकाई है। बचपन से बुढ़ापे तक मनुष्य नई अवधारणाएं सीखता है और पुरानी अवधारणाओं को दैनिक जीवन के नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। यहाँ पर अवधारणा को समझिए। अवधारणा लाइक एक फोटो, ये फोटो आपका मस्तिष्क में बन जाता है। मैं जैसे ही बात करूं कोबरा सांप की, तुरंत मस्तिष्क में एक आता है कि बहुत ही जहरीला सांप जिसके काटने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, ये तुरंत मेरा दिमाग में आ जाता है। जैसे बोल दें कि रमेश को कोबरा ने काट लिया, तुरंत ये जहन में आ जाता है कि कोबरा तो एक जहरीला सांप है, उसका बचना मुश्किल है। तो अवधारणा क्या है? मेरी अवधारणा कोबरा के प्रति है कि यह जहरीला है, मेरा जान का दुश्मन है। इसी तरह से जो हमारे मस्तिष्क में उसके बारे में छवियां माना जाता है, जो छवियां बन जाता है, वही आपका अवधारणा हुआ। मैं एक साधु की बात करूं, जैसे ही हम लोग बोलते हैं साधु, तुरंत ये मन में आता है ईमानदार आदमी जो पूजा पाठ में अपना जीवन व्यतीत करता है, न जिसका घर होता है न द्वार होता है, जहाँ वह रहता है वहीं उसका घर बन जाता है। तो इसके बारे में हम एक शब्द बोलते हैं साधु, और इसका जो पूरा हमारे मस्तिष्क में छवि बनता है, फोटो बनता है, इसके बारे में जो जो बातें हमारा मस्तिष्क में आता है, यह आपका अवधारणा हुआ। तो एक ही वस्तु को अलग अलग लोग अलग अलग अवधारणा से देखते हैं, देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अवधारणा सभी प्रकार के अधिगम की मूल इकाई है। जितने कुछ हम लोग सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में ही सीखते हैं। क्या जो अनपढ़ व्यक्ति रहता है उसे कोई चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है? आप देखेंगे वह अच्छे ढंग से कभी कभी देखेंगे मोटरसाइकिल बनाने वाला मैकेनिक बहुत सफाई से मोटरसाइकिल बना देता है, तो उसको मोटरसाइकिल बनाने की ज्ञान है। तो वो जो ज्ञान है, जो अधिगम है यानी जानकारी है उसके पास, ये सभी अधिगम का मूल अवधारणा है। मान लीजिए मैं एक बात करूं मोटरसाइकिल मैकेनिक की, उसे आप मोटरसाइकिल दे दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद वह इंजन में कहाँ खराबी है उसके आवाज़ से पता लगा लेता है। आवाज़ को पहचान कर वह एक अवधारणा बनाता है, एक मस्तिष्क में फोटो बनाता है कि ए बॉल्ट या ए उसका नट या जो इसका ए है वो खराब हो सकता है। तो यही है अवधारणा। बचपन से बुढ़ापे तक मनुष्य नई अवधारणाएं सीखता है। हम लोग जन्म से लेकर
मरण तक कुछ न कुछ नया नया सीखते रहते हैं, नई नई बातें सीखते हैं। और ये जो नई अवधारणाएं हैं ना, इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। आगे चलिए, बच्चे अलग अलग आनुवंशिक गुणों के साथ पैदा होते हैं और ये परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र आदि से बहुत कुछ अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे अवधारणाएं बनती हैं। कुछ बच्चों में किसी के प्रति पूरी और सही प्रकार से अवधारणाएं विकसित होती है, तो कुछ में आंशिक रूप से विकसित होती है और कुछ में गलत अवधारणा का विकास होता है। दोस्तों, ज्ञान अवधारणा का मूल है। हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तभी उसके बारे में मेरा अवधारणा बनेगी। जब तक उसके बारे में कोई ज्ञान अनुभव नहीं होगा, हमारा कोई अवधारणा नहीं बन सकता है। अवधारणाओं के विकास के लिए कम उम्र महत्वपूर्ण है और उसके लिए प्रेरक वातावरण आवश्यक है। विकास की दृष्टि से बच्चे के घर का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बच्चों में अवधारणा का विकास करना चाहते हैं, गणितीय अवधारणाओं का विकास करना चाहते हैं, वैज्ञानिक अवधारणाओं का विकास करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो सही उम्र है वह कम उम्र है। आप लोग जानते हैं कि बच्चों का मस्तिष्क का 90% भाग 6 वर्ष के अंदर ही डेवलप हो जाता है। 6 वर्ष के अंदर मस्तिष्क 90% डेवलप कर जाता है, विकसित कर जाता है, विकास कर जाता है। तो जब बच्चा छोटा रहता है, उस समय बच्चों के लिए प्रेरक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। प्रेरक वातावरण आवश्यक है, तभी उसका थिंकिंग पावर, सोचने की शक्ति अच्छी रहेगी, सृजनात्मकता अच्छा रहेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? घर का जो वातावरण है वह अच्छा होना चाहिए, आस पड़ोस का वातावरण अच्छा होना चाहिए, विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि शरीर का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व का भी विकास होता है। शुरू की मित्र मंडली की अभिवृत्तियाँ, परिवार के प्रमुख सदस्यों की अभिवृत्तियाँ सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक बार जो स्वयं अवधारणा की नींव बन जाती है, उसे बदलना मुश्किल होता है। बचपन में बच्चे के स्वयं अवधारणा के विकास को आकार देने में बच्चे के घर का माहौल और पारिवारिक परिस्थितियों का हाथ होता है। दोस्तों, बच्चों में अच्छी अभिवृत्ति का विकास हो, इसके लिए उसका मित्र मंडली और उसके घर के जो सदस्य हैं, उन सभी के अभिवृत्तियों का हाथ होता है। यदि उसका मित्र मंडली अच्छा गुण वाला हो, अच्छा अभिवृत्ति वाला हो, अच्छा मूल्य वाला हो, तो निश्चित रूप से इसके और जो मित्र हैं, यानी आपके जो बच्चे हैं, उनकी अभिवृत्तियाँ अच्छी होगी। परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी अभिवृत्ति का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। दोस्तों, बच्चों में जो एक अवधारणा बन जाती है, वह अवधारणा बदलने में बहुत समय लगता है। इसलिए बच्चों में शुरू से अच्छी अवधारणाओं का नींव बनाना चाहिए। होता क्या है, आप देखिए, यदि उसके दोस्त सभी अच्छे हैं, उन लोगों का एक लक्ष्य है, इन लोगों ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसके लिए यहाँ से हम मैट्रिक पास करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ से एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो इसके साथ आपके बच्चे भी रहेंगे तो वो भी वही सोचेगा,
हम भी आगे चल करके क्या करेंगे, इसके लिए क्या प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरे मित्र मंडली है जिनकी आदतें गलत हैं, उन्हें शराब का आदत पड़ गई है, ये ताश खेलने, जुआ खेलने की आदत पड़ गई है, हमेशा खेलने की आदत है, चाहे वह क्रिकेट हो, यहाँ वहाँ घूमने की आदत पड़ गई है। तो इसके साथ जो आपका बच्चा है वह भी सोचेगा कि उन्हें शराब पीने में मज़ा आता है तो मैं भी शराब पीऊँगा तो मुझे भी मज़ा आएगा, उसे जुआ खेलने में मज़ा आता है तो मैं भी खेलूँगा तो मुझे भी मज़ा आएगा। उन लोग घूमते हैं, बड़ा ऐश करते हैं, बहुत मज़े लेते हैं, मैं भी घूमूंगा, मुझे भी मज़ा लेना है। तो यहाँ इनकी अभिवृत्ति यहाँ पर ट्रांसफर हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो अवधारणा, यदि ये आदत बन गया कि शराब में ही अच्छी लगता है, शराब में सबसे ये फीलिंग्स जो अच्छा होता है, तो वह भी बच्चा शराब का आदी बन जाएगा। इसलिए शुरू से ही बच्चों की मित्र मंडली पर ध्यान देना चाहिए, घर के प्रमुख सदस्य जो हैं उनकी अभिवृत्ति, उनकी आदत, उनकी स्वभाव पर ध्यान देना चाहिए। परिवार में बच्चों की क्रमिक स्थिति भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है, करती है, अर्थात वह पहला बच्चा है या दूसरा। देखिए होता क्या है, बच्चों का जो क्रमिक विकास है, ये क्रमिक स्थिति, एक माँ पिता का संतान पहला संतान है या इनका दूसरा संतान है या फिर तीसरा संतान है, इसमें भी बच्चों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है, बच्चों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो प्रथम बच्चा होता है उसका दूसरा या तीसरा, तीनों में बहुत सारा भिन्नता होती है। बचपन में बच्चे जाति, धर्म, प्रजाति आदि कारकों की जानकारी नहीं रखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि हम कौन जाति के हैं, उनका धर्म क्या है, उनकी प्रजाति क्या है, ये सभी चीज़ बच्चे नहीं जानते हैं। परंतु जब ये बड़े होते हैं तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं उनके जीवन में उभरते हैं। जैसे धीरे 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 बड़ा होता है बच्चा, उनको जाति, धर्म, प्रजाति ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके जीवन में उभरता है। चाहे वह आप रिजर्वेशन की बात करें, पढ़ाई लिखाई में आरक्षण की बात करें, नौकरी में आरक्षण की बात करें, या अन्य जगहों में जाति, धर्म, प्रजाति की बात उभरता है। जब बच्चा समाज में अधिक लोगों के साथ प्रतिक्रिया करता है तो ये मुद्दे और प्रखर हो जाते हैं। जब लोगों के साथ बातचीत करता है तो यह जो मुद्दा है यह और प्रखर हो जाता है। जब ये अनुकूल होती हैं तो बच्चों में सकारात्मक एवं स्वयं अवधारणा का विकास होता है। जब बच्चों के जैसा होता है तो बच्चों में सकारात्मक स्वयं अवधारणा का विकास होता है। जब मित्र मंडली उसकी उपेक्षा करती है, उसे महत्व नहीं देती है या उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो नकारात्मक स्वयं अवधारणा का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे लिंग औचित्य समझना शुरू हो जाते हैं, तब ये उपयुक्त लैंगिक अभिवृत्तियों का विकास करते हैं, अर्थात लड़का लड़की अपने समान के साथ रहना पसंद करने लगते हैं। विभिन्न कारकों के कारण पर्यावरण असुरक्षा जैसे जैसे मृत्यु, जुदाई, तलाक आदि बच्चे के स्वयं अवधारणा को प्रभावित करता है। मान लीजिए किसी के बच्चे के माता पिता में किसी एक की मृत्यु हो गई है तो निश्चित रूप से उसका लालन पालन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगा और स्वधारणा भी उनका उसी तरह से पनपेगा। माता पिता की पदोन्नति आप पदावन्नति दोनों स्वधारणा को भिन्न रूपों में प्रभावित करता है। मान लीजिए किसी के बच्चा का एक उच्च पोस्ट पर थे और उसकी पदावन्नति हो गया यानी डिमोशन हो गया, ऐसी स्थिति में बच्चों को हर जगह खराब सुनने को मिलता है, उनकी बेइज्जती महसूस होती है, जिससे उसके अंदर एक नकारात्मक
सोच एक नकारात्मक फीलिंग स्वधारणा बन जाता है। बचपन में बच्चे की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। इससे बच्चों में खुशी उत्पन्न होती है। इसी खुशी से बच्चे की अनुकूल अवधारणाओं का विकास होता है। खुशी के तीन ये हैं, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, अफेक्शन स्नेह, अचीवमेंट उपलब्धि। अतः एक परिवार अपने बच्चों का स्वयं अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलिए दोस्तों, ये यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे, अभिवृत्ति का अर्थ अर्थात अभिव्यक्ति का परिभाषा एवं इसके घटक का वर्णन करें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो के अंत में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और आप क्या क्या इस वीडियो में सीखा उस पर ध्यान आपका चला जाता है, लाइक नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपका रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ बगल में एक बेल घंटी आएगा, इसे भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे सभी का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपका एक शेयर से किसी को कुछ लाभ हो जाए। इसलिए शेयर ज़रूर करें। हम लोग देखते हैं अभिवृत्ति का अर्थ और परिभाषा। हमारी सफलता और असफलता हमारी अभिवृत्तियों पर निर्भर करती है। हम चाहें तो खुद सफल हो सकते हैं, हम चाहें तो खुद असफल हो सकें। हमारी चाहत पर, हमारी अभिवृत्ति पर ये निर्भर है कि हम सफल होंगे कि असफल होंगे। हमारी अभिवृत्ति यदि सही रहा तो सफल होंगे, यदि हमारी अभिवृत्ति गलत रहा तो हम असफल हो जाएंगे। अभिवृत्तियाँ व्यक्ति के कुछ चुने हुए लोगों या समूहों या संस्थाओं के समायोजन को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति का IQ अभिवृत्तियों से प्रभावित होता है। इस प्रकार अभिवृत्ति विशेष परिस्थितियों में एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए तैयारी या तत्परता की अवस्था है। अभिवृत्ति क्या है? कोई एक विशेष परिस्थिति में आप कैसे हैंडल करते हैं, कोई समस्या आ गया, इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, ये आपकी अभिवृत्ति हुई। फ्रीमैन के अनुसार विशेष परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों से सुसंगत तरीके से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति तत्परता जो सीखी गई है और व्यक्ति के सामान्य व्यवहार का हिस्सा बन गई है, उसे अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्तियों का अवलोकन नहीं किया जा सकता है, उनका प्रकट व्यवहार द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है। अभिवृत्ति का हम लोग अवलोकन नहीं कर सकते हैं, अभिवृत्ति अवलोकन करने योग्य नहीं है, लेकिन उसका जो व्यवहार है, जो वह व्यवहार प्रकट कर रहा है, जो वह व्यवहार हम लोगों के साथ कर रहा है, उसके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस तरह का व्यक्ति है, इसकी अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति के घटक हैं, अभिवृत्ति के घटक व्यवहार में झलकते हैं। व्यवहार के तीन अवयव होते हैं। पहला है, हमारे अभिवृत्ति ज्ञान पर निर्भर होती है, जो तार्किक व तर्कसंगत। अभिवृत्ति का दूसरा अवयव भावनाएं हैं। अभिवृत्तियाँ हमारे भावनाओं और संवेदनाओं से जागृत होती है। कुछ लोगों को पसंद करना और कुछ को नापसंद करना हमारी संवेदनाओं पर आधारित होती है। संवेदनाएँ जो इकट्ठी व एकीकृत हो जाती है उन्हें सकारात्मक कहते हैं। ज्ञान और संवेदनाएँ एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाती है। अभिवृत्ति का तीसरा अवयव है व्यवहार। यह दूसरों की भावनाओं का अर्थ और दूसरों को समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में अभिवृत्तियों का विकास कैसे होता है? अभिवृत्तियों का विकास कैसे होता है, इस पर बात करना। बच्चों में अभिवृत्तियों का विकास उसके परिवार से शुरू होता है। विद्यालय पहुँचने पर विद्यालय में तथा उनके दोस्तों के साथ विकास होता है। बच्चों का अभिवृत्ति घर से शुरू होता है, विद्यालय और मित्र मंडली के द्वारा उसका विकास होता है। समाज से प्रक्रिया करते समय हुए बच्चे
बहुत सारे अनुभव प्राप्त करते हैं। समाज से जो प्रतिक्रिया करता है जो समाज से प्रक्रिया करते समय, इसमें ये सही सेंटेंस नहीं हुआ, इसमें होना चाहिए कि समाज से प्रतिक्रिया करने से अनुभव प्राप्त होता है। समाज से जो प्रक्रिया करता है, समाज के साथ में जो काम करता है, उससे अनुभव प्राप्त होता है और ये अनुभव भी अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करता है। अर्थात समाज में जो जो क्रिया किया उससे अनुभव प्राप्त हुआ और इस अनुभव से अभिवृत्ति का विकास हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, समाज के काम यानी सामाजिक काम, इससे उसे अनुभव या ज्ञान प्राप्त हुआ और इस अनुभव से अभिवृत्ति का विकास हुआ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें ज्ञान बढ़ता जाता है, किसी भी विषय की जानकारी बढ़ती जाती है, उसकी आवश्यकता बदलती जाती है, इन प्राप्त ज्ञान जानकारी और आवश्यकता के अनुसार उसकी अभिवृत्ति भी बदलती है। जैसे जैसे बच्चों की जानकारी बढ़ती है उसकी अभिवृत्ति भी बदलते जाता है, उसका आवश्यकता के अनुसार, उसकी जानकारी के अनुसार, उसका ज्ञान के अनुसार अभिवृत्ति बदलती जाती है। बच्चे, परिवार समूह, मित्र समूह, धार्मिक समूह, जातीय समूह, सांस्कृतिक समूह से अनुभव प्राप्त करता रहता है। ये सभी अभिवृत्तियों के विकास को प्रभावित करता है। इन सभी समूहों का एक नियम कायदे होते हैं, इन नियम कायदों का पालन करने का दबाव डाला जाता है, इसी कारण सदस्यों में वस्तुओं और लोगों के प्रति एक जैसी अभिवृत्तियाँ विकसित होती है। एक बार ये अभिवृत्तियाँ बन जाए तो ये अस्थायी होते हैं और परिवर्तन का विरोध करती है। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई धर्म है, कोई धर्म से रिलेटेड है, जैसे जैसे आपको धर्म के बारे में पता चलते गया, अब अपने धर्म को जान गए, आप मान लीजिए हिंदू धर्म वाले हैं, तो आपके अंदर जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, हिंदू के पवित्र चीज़ों, पवित्र आदतों के प्रति आपका सकारात्मक विचार होगा और ये जो इससे अभिवृत्ति होगी यह अस्थायी होता जाएगा, बदलने जैसा नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी तक, अपने जितने आपके जितने भी स्टडी सेंटर के ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स में इसे डालें। धन्यवाद।